और चलिए मेहमानों को रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे जी हैं, संजय चौधरी हैं प्रवक्ता भाजपा, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला भी लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनुभव, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। तीखा और सीधा हमला अखिलेश यादव ने किया है भाजपा सरकार पर, विपक्षी दलों को एक लाने की बात कही जा रही है। हमले की बात तो अलग है, लेकिन एक आने की स्थिति बन पा रही क्या कि सभी एक हो जाएंगे, एक मंच पर आ जाएंगे, किसी को अपना नेता मान लेंगे? देखिए अवधेश, जब भी हम कहें कोई इलेक्शन होता है, खासतौर से लोकसभा के चुनाव आते हैं, तो हर बार हमने देखा है थर्ड फ्रंट की बात होती है, तीसरा मोर्चा। तो फिर वही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। और देखिए, कुछ समय पहले आपने देखा होगा जब नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुई थी, तब भी इस बात पर चर्चा हुई थी। फिर अखिलेश यादव ने आज इस तरीके से कहा कि KCR हैं उधर, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, तो ये सभी लोग तो एक साथ, विपक्ष पूरा चाह रहा है कि एक ऐसा मोर्चा बने जो कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP को सीधी टक्कर दे। और अगर आप बात करिए तो अलग अलग, अगर हम कहें राज्यों की बात कर लें, जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, वहाँ उनके जरिए कोशिश हो रही है कि BJP को रोका जाए। बिहार में नीतीश कुमार के जरिए कोशिश हो रही है कि BJP को रोका जाए। इसी तरीके से तेलंगाना में KCR के जरिए कोशिश हो रही है BJP को रोका जाए। और उत्तर प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं जहाँ पर लोकसभा की, 80 सीटें, वहाँ खुद अखिलेश यादव इस कोशिश में हैं कि कैसे BJP का जो रथ है लगातार जो जीतते चले जा रहे हैं, या फिर हम कहें लोकसभा चुनाव में जो 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है BJP ने, उसको कैसे रोका जाए। और ये बात तो तमाम सारे नेता जो अपोजिशन के हैं वो यही बात कहते हैं कि सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। पहले भी प्रयास हमने देखे हुए हैं, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जब वक्त आता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सबको लगता है कि भाई हमने यहाँ पर मेहनत की तो हमें उस तरीके से उस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए। तो वो एक वजह रह जाती है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो तीसरा मोर्चा की बात होती है ये सक्सेस नहीं हो पाता। अब इस बार किस तरीके की रणनीति बनेगी, क्या सब लोग एक फोरम पर आएंगे? बिल्कुल, ये सवाल है कि रणनीति बनेगी कैसे और BJP को रोकेंगे कैसे। अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं। कीर्ति निधि जी आपके पास आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि सपा ही वो पार्टी उत्तर प्रदेश में है जिससे विपक्ष उम्मीद कर सकता है, सबसे मजबूत विपक्ष है। लेकिन जब आप रोकने की बात करते हैं तो सवाल यह है कि बीते दो उपचुनाव आप हारे, तीसरा इसलिए जीते मैनपुरी का क्योंकि नेताजी के नाम पर, नेताजी की श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे गए तो यहाँ पर वोट मिला, लेकिन हर जगह तो ये फैक्टर नहीं चलेगा, तो कैसे रोकेंगे BJP को? और निकाय पर तो हम बात करेंगे, लेकिन ये जो रोकने वाली बात है, तो क्या आपके पास नया आ गया है कि उससे आप रोक लेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम मैनपुरी जीते तो खतौली भी जीते, और जिस तरीके से रामपुर के अंदर चुनाव हुआ, जिसके लगातार हम कंप्लेंस करते रहे इलेक्शन कमीशन को, और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बेरोजगारी के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को हराना, अगर किसानों की समस्या पे भारतीय जनता पार्टी को हराना, अगर लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी को हराना है, अगर जिस तरीके से GST को लेकर के व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ उस सवाल पे भारतीय जनता पार्टी को हराना, तो विकल्प सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार उन मुद्दों को टच कर रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जिस तरीके से पिछले 72 घंटे में लगातार उत्तर प्रदेश के व्यापारी तबाह और परेशान हैं, दुकानें बंद करके GST की छापेमारी से परेशान है, भाग रहे थे जी अखिलेश यादव जी। लेकिन कीर्ति निधि जी, ये बताइए कि अगर कोई GST चोरी कर रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, तो उसको माला पहना दे क्या एजेंसियां जी? अगर कोई GST और टैक्स की चोरी कर रहा है तो उसको एजेंसी माला पहना दे क्या? और वो नहीं पहनाएंगे तो आप पहना देंगे जाके? आप समझिए इस बात को, व्यापारी इसलिए नहीं भाग रहा है, GST में जो GST के दौरान छापेमारी अफसरों को नहीं, यही तो आप इत्र वाले मामले भी कह रहे थे ना, 496 करोड़ जमा करना है, वहां भी आप गलत बता रहे थे उसको। इंतजाम है, और जो व्यापारी कल तक GST के फायदे बता रहे थे आज वही शटर गिरा के फरार है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।